ठीक है, लास्ट टाइम हमने पार्ट लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री हमने किया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस को मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ यहाँ पे। अभी क्या करना है, हमने क्या किया, फिल मेन कलर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। भाई मुझे यहाँ पे इसको दिखाना है, ठीक है। चीज़ों को जैसे मैं रखना है यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे सबका एक लेयर मैं वन बाय वन करके मैनेज कर लूँगा। लेयर में जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, ये दिस इज़ माई वन, ये कलर है वन टू, एंड यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ लाइन, ये ड्रॉ लाइन यहाँ पे, ये देखो ये ड्रॉ लाइन है यहाँ पे, ये ड्रॉ लाइन यहाँ पे। तो अभी इन तीनों को वन टू एंड थ्री एक एक ग्रुप बना लो, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप हो गया, ठीक है। ग्रुपिंग में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ फिल मेन कलर, तो यहाँ पे नेमिंग दे देना, क्या फिल मेन मेन कलर, ठीक है। एक पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। अभी इसी पार्ट को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, कि मैं लाइट का डायरेक्शन दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कुछ जो रेफरेंस है उसको मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ देना है, ठीक है। बेसिक अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना, लाइट का डायरेक्शन जो मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या चूज लाइट सोर्स, ठीक है। अब लाइट सोर्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट ये जो मेरे ब्लैक बॉर्डर है, ब्लैक बॉर्डर को यहाँ पे देखो, देखना है यहाँ पे, ये पार्ट में थोड़ा सा अभी कम करके देखता हूँ, थोड़ा सा मैंने कम किया ताकि मुझे यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे लाइट सोर्स के थ्रू यहाँ पे काम करना है, लाइट सोर्स के थ्रू यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, सबसे पहला पार्ट डार्क कलर है, डार्क कलर हम लोग यहाँ पे पेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो जो मेरा एरिया, इस एरिया पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखो ये मेरे पास कलर है, ये एक कलर यहाँ पे, मैं अभी इस पर मैं एक और लेयर में देने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लेयर बाई लेयर काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेयर बाई लेयर मैंने जो यहाँ पे कलर पिकर से पिक किया था, ठीक है। अगर देखो एक दो चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर लेयर है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक के यहाँ पे मुझे कलर पिकर से पिक करना है, मैं ऐसे भी पिक कर सकता हूँ, देखना यहाँ पे ये डार्क कलर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, या अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया था, यहाँ पे देखो इसको मैंने ऑफ किया, यहाँ पे मैंने कलर यहाँ पे पार्ट ले रखा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने डार्क कलर यहाँ से, ये देखो ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक कलर ले लिया, ज़्यादा डार्क हो गई, ये डार्क कलर ले लिया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे इसके अकॉर्डिंग पेंट करना है। तो पेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, लाइट सोर्स क्या है, जैसे लाइट सोर्स मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने एक लाइट सोर्स यहाँ पे लिया, सपोज एक क्लियर मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया लाइट, LIGHT लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया यहाँ पे, ठीक है, सर्कल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सर्कल से मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे इस पर, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं उस लाइट का एंगल कैसे दिख रहा था, मैं पेन टूल लेता हूँ, पी फॉर पेन टूल, ये जो लाइट का सोर्स है बस यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन। अभी यहाँ पे मैंने क्या देखा है, लाइट का सोर्स यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने एक और लाइट के सोर्स पे एक और लेयर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कलर फिल कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डी, इसको मैं थोड़ा सा काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी ये एंगल में बस ऐसे जाएगा, ऐसे जाने का मतलब क्या, ये पार्ट मैं यहाँ पे भी दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये लाइट सोर्स यहाँ पे मैंने दिखाया, ये मेरे लाइट सोर्स है जिनको मैंने कंट्रोल जी कर दिया इसी के अंदर, ठीक है, LIGHT लाइट, ठीक है। लाइट का एंगल मैंने देखा तो ये सब पूरा डार्क हो जाएगा, जस्ट समझने के लिए, इसका कोई यूज़ नहीं, लेकिन हाँ समझने के लिए जरूरी है। अभी यहाँ पर लाइट आएगा, लाइट आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कलर एक और लिया भाई मैंने, ठीक है, डार्क शेड को, डार्क कलर का कोई, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, बीफोर ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया को मैनेज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये साइज़ है मेरे पास यहाँ पे, और ब्रश साइज ब्रश है मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल, जो कि यहाँ पे पेंट हो पा रहा है, यहाँ पे साइज लेना है, ये साइज को आप नॉर्मली यहाँ पे पेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। इससे आपका कमांड भी सेट होगा, साइज को छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं स्टेप से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ताकि मैं जो मैं स्ट्रोक्स अपना हटा दूँ तो यहाँ पे चीज़ को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इस वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर रखा है यहाँ पे। तो काइंड ऑफ मुझे देखो किस किस एंगल पे काम करना है, यहाँ पे मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं इधर से पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे ये पार्ट आ जाएगा, ये हमारा आगे चल कर टेक्सचरिंग में भी काम आता है। तो ये प्रोसेस को तो समझना, यहाँ पे पार्ट हुआ, एक तरह स्लाइट दिया यहाँ पे, ठीक है, जिधर स्लाइट आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, डार्क करना स्टार्ट किया। अभी जो मैंने डार्क ले रखा था, यहाँ पे मैंने ये लाइट का डार्क लिया, एक मेजर डार्क भी लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से स्ट्रोक से मेरे को तो हेल्प मिल जाती है यहाँ पे, कि भाई
मुझे सेप्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेप्स को मैंने यहाँ पे लिया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ऐसे कुछ कवर अप कर सकता हूँ, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कलर का जो टोन्स उन टोन्स को मैं थोड़ा सा मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो मेरे पास अलग कलर आने वाला है, उस अलग कलर के लिए मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग से मैनेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं एक कलर यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल माइनस के यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट एंड क्लिक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये डार्क कलर आने वाला है। तो यहाँ पे कलर का डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। इस वाले एरिया पे मैंने डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो मान लिया दोस्तों ईजी हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे जो शेप बनाना है यहाँ पे, ये शेप्स को मैं यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो ये पार्ट में यहाँ से दिखा सकता हूँ, मैं बस ऐसा कुछ पार्ट जा रहा है यहाँ पे। साइज को बहुत ही प्रोमिनेंट करके यहाँ पे ये चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। मैं बस लाइट वाला पार्ट को थोड़ा ऑफ कर देते हैं, तो ये मुझे यहाँ पे ऐसे देखेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे सबसे जो कुछ चीज़ में छूटी हुई है, मैं इसको यहाँ से ऐसे भी कवर कर सकता हूँ। देखना यहाँ पे लाइट कलर से मैंने यहाँ पे डार्क कलर से मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, लाइट कलर मेरे बस यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे देखिए, वही मुझे ऐसे कुछ काम करना है। देखो अभी देखो ये पार्ट में डार्क हुआ। अभी एक चीज़ और क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसी का ये तो लाइट एरिया दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी मुझे यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे मैंने देखो लास्ट के दो कलर यूज़ किए हैं। अभी मैं चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और डार्क में ये वाला एरिया में रखूँगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको इस कलर टोन्स का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन और ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका लेवल चीज़ को मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या होगा, लाइट का सोर्स आपको यहाँ पे देखेगा। अभी ये हमने दिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लाइन, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लाइन का पार्ट यहाँ पे देखा है, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, बेसिक से। अभी यहाँ पे क्या करें, इस पर चलते हैं, यहाँ पे मुझे कलर क्या देना, ब्लू वाला भी कलर मैनेज करते हैं। तो देखो ये कलर डार्क कलर देखा है, ये देखो ये मैं एक एक लेवल करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई कलर पिक करना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ काम करना है, तो मैं थोड़ा सा इस पर देखो यहाँ पे तो फिनिशिंग के साथ मैं चीज़ को मैनेज करता हूँ। मैं कलर वाइज यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज और मेनटेन करेंगे, कुछ छूटना नीचे यहाँ पे, ये देखो अभी वापस किया कंट्रोल माइनस। यहाँ पे जो मैंने कलर पिक करके, कलर में पहले लाइट कलर है, देखो यहाँ पे लाइट कलर में मैंने यहाँ पे ये कलर पिक कर दिया। मुझे यहाँ पे कलर्स को समझना है। अब कलर को समझने के लिए स्टार्टिंग में क्या काम होता है, जैसे आपने काम किया यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको दिखाया है। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे, जैसे मैंने सेट किया यहाँ पे दिखा है, बस लाइट कलर ये देखो कलर लिया मैंने, देख रहा है ये कलर मेरे पास यहाँ पे या ये कलर यहाँ कलर सेम आ रहा है, तो बिल्कुल लाइट नहीं लिया, ठीक है। ये वाला कलर ले रखा, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कलर कौन सा लेना, ये डार्क कलर, ओके, डार्क कलर में कौन सा क्या, ये देखो ये जो मैंने कलर क्लिक किया, ये कॉम्बिनेशन में यहाँ पे थोड़ा सा पता रहना चाहिए। देखो ये पार्ट है यहाँ पे, ऐसे करके हम थोड़ा सा पता रखेंगे भाई कौन सा मैं एकदम से डार्क में कितना करना है, एकदम से लाइट में कितना करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कलर ये पिक किया, कलर पिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पर का जो एरिया है मेरे पास यहाँ पे, इनको भी आप चाहो तो अलग अलग उसमें पेंट कर सकते हो क्या, आप देखना यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये हम लोग फोटोशॉप में करें तो ईजी है, अगर हम लोग यहाँ पे स्केचिंग में करते तो ये चीज़ को हमें पहले से मैनेज और मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखना, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, ठीक है, ओके। रेफरेंस भी चेक करते चलो, यहाँ पे दूसरी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, डार्क कलर करना है। डार्क कलर करने का ये एरिया, ये लेयर डार्क होना चाहिए, तो ये हमें लाइटिंग को रिप्रेजेंट करना होता है क्या। लाइटिंग को रिप्रेजेंट करते हमें यहाँ पे क्या करना, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे शेप्स को दिया, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा दिया मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ हमने एंगल दिखाया यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे मैनेज कर दिया, ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। और इस शेप्स को मैंने यहाँ पे भी ऐसे दिखाया भाई, मेरे पास राउंडनेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी बॉर्डर वो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अभी इनमें भी हम लोग एक और नेक्स्ट लेवल लेके चलेंगे,
जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ से मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट मैंने मैनेज किया यहाँ पे, जो मैं वैसे ब्लैक लाइन है ना उस पर थोड़ा सा ड्रॉ करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसे सेट कर रखा है यहाँ पे, ये पार्ट मैं बस ऐसा यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी ये जो शेप मैंने दिया, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लाइट के एंगल यहाँ पे ऊपर भी मुझे दिखाना है, ऊपर को मुझे दिखाना है, तो ऊपर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को मैंने हल्का सा कलर में चेंज कर दिया। कलर में चेंज करने का मतलब यहाँ पे जो मेरा लाइट कलर है, ये रखा ऑल्ट एंड लेफ्ट, ये मैंने कलर लिया, ये कलर मैंने यहाँ पे लिया और हल्का सा मैं इस पर डाल देता था ना, लाइट ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि, तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने तो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अभी देखो यहाँ पर अगर मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे चीज़ें देखें यहाँ पे, ये पार्ट मेरे को यहाँ पे लेवल में देखेगा कैसे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे क्या देना, सेपरेट बिग पार्ट में थोड़ा सा स्टडी करें। तो पर लाइट का कलर देखो यहाँ पे, यहाँ पर ऊपर से लाइट आता है तो ऊपर का लाइट का कलर आपको यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे पार्ट देखा यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आपका ऐसा है, ठीक है। उस पर फिर कॉर्नर बारीकी है, यहाँ पे लाइट कलर है, इसलिए जो हमने कलर जो पिक किया, देखो यहाँ पे कलर पिक करने में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कलर पिक किया इसलिए हमने ये वाला कलर किया, ताकि लाइट कलर, इसमें भी हमने ये वाला कलर किया, ये कलर नहीं किया, ताकि लाइट कलर हमें चाहिए जो बॉर्डर पे दिखाना है हमें यहाँ पे। तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम करेंगे, इसको तो पहले ऑफ करते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने देखा अभी लेवल हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी ये जो मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है, ये ग्रुप का है मेरे पास यहाँ पे, दिस इज और ग्रुप, ठीक है। फिर से प्लेसमेंट का थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पर अलाइनमेंट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, और यहाँ पे आपने क्या क्या मूव टूल लिया, ऑल्ट एंड क्लिक करके यहाँ पे ले गए, ठीक है। काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका नेम मेंशन कर दो, क्या नेम में क्या है, सेपरेट बिग पार्ट्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को याद भी रहेगा, सेपरेट बिग पार्ट्स में क्या करना है, कलर्स के लेवल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करना है। तो कलर्स के लेवल को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको यहाँ पे कर दिया कंट्रोल प्लस, बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ठीक है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने तो जो रेफरेंस है, रेफरेंस को भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे यहाँ पे, ताकि आप ये चीज़ को कर सको, ठीक है। रेफरेंस को हमने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा अभी और बेटर वे में मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे कलर्स जो चाहिए, यहाँ पे लाइट ऊपर थोड़ा सा लाइट चाहिए, बाद में इसका थोड़ा सा डार्क चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे चाहो थोड़ा सा इसको स्टडी करने के लिए, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे दिखा किए, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस ओपन किया, यहाँ पे रेफरेंस ओपन करने के बाद इस लेयर को वो करो, आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक किया यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे लाइट का कलर जो भी आपका कलर है, यहाँ पे देखो ये कलर कहाँ मैच करा है यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये मैंने कलर यहाँ से पिक किया, ये दिस वन योर लाइट कलर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा डार्क कलर है यहाँ पे, ठीक है। डार्क कलर यहाँ पे है और डार्क कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे ये और ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनके साथ ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो डार्क कलर, ये देखो ये डार्क कलर हल्का फुल्का चेंजेस है, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, ये इसके बाद अभी इसके साथ मिक्स करके देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यही मैं थोड़ा सा कलर साथ में प्ले करूँगा। तब सबसे पहले लाइट कलर यहाँ पे करते हैं, उसका थोड़ा सा कलर को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो पहले यह लाइट कलर आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अपने लेयर को यहाँ पे ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी ये मैं बस जो हमने बनाया तो राउंड जैसे हमने मैनेज कर रखा है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा स्टिफ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बी प्रेस कर रखा है यहाँ पे, बी फॉर ब्रश, ठीक है। इसके अंदर मैंने लेयर पे लेयर मैं लेते जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेयर अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लेयर है क्या मेरे पास, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, बी फॉर ब्रश ले रखा है मैंने यहाँ पे, इन चीज़ को यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डील कर रहा हूँ, देखो, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकूँ। लाइट वाला पार्ट को यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले लाइट वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा डील किया, कोई शेप में बस ऐसा है तो मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, ठीक है, ताकि मैं चीज़ को यहाँ पे दिखा सकूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कहूँ, यहाँ पे बस जो कलर है, कलर का पैटर्न जो मैंने लिया यहाँ पे कंट्रोल माइनस, यहाँ से मैंने क्या करा था, यहाँ से लूँ तो मैंने यहाँ पे क्या ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे ये लिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे पेंट कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे अभी ऐसा भी कुछ हो रहा है। इसी में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का सा ऑपेसिटी मैंने कम किया यहाँ पे मिक्स करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे हल्का सा
यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मिक्स होंगी और वो चीज़ें यहाँ पर ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा चीज़ को दिखा सकते हैं काइंड ऑफ ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा करोगे तो पीछे वाला कलर भी रहेगा और ये वाला कलर भी आपके यहाँ पे रहेगा ठीक है। और यहाँ पे दो कलर का आपका कॉम्बिनेशन भी मिलेगा यहाँ पे। अभी ये देखो मैं बीच में कर रहा हूँ कॉर्नर कॉर्नर पार्ट छोड़ा तो मैं बस कॉर्नर की लाइन अपने आप मेंटेन हो जा रही है। देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा और बारीकी से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे क्या ये चीज़ मेरे पास ऐसा कुछ है ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पार्ट हमने छोड़ रखा तो वो पार्ट मेरे पास कैसा ये पार्ट ऐसे दिख रहा है ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बेटर वे में चीज़ को और मैनेज करूँ। जैसे देखो मैं पूरा कलर दे देता हूँ यहाँ पे पूरा कलर दिया मैंने यहाँ पे देखो अभी वैसे मैंने पेंट ऐसा किया कि कॉर्नर पर अपना बॉर्डर कलर दिखने लग गया यहाँ पे ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ को थोड़ा सा मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे कई जगह ऐसा पार्ट है मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक एंड कलर लेयर दिख रहा है यहाँ पे ये पार्ट बस एक्स्ट्रा है। यहाँ से मैंने क्या किया बी4 ब्रश यहाँ से मैंने E4 इरेजर इरेजर लेके यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लगे नीड है वहाँ पर कर देना। अभी इसी में देखो कॉर्नर पर लाइट कलर भी दिया हुआ लाइट कलर देने का मतलब क्या है यहाँ पर चीज़ों को और हाईलाइट करना। अभी हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं यहाँ पे गए कंट्रोल माइनस यहाँ पे लाइट कलर है ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया बी फॉर ब्रश ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक ठीक है। अभी इन चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे साइज को छोटा करना ब्रश साइज छोटा होना चाहिए। ये देखो ये पार्ट में तो होता है यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे बस पार्ट है यहाँ पे तो यहाँ से सिंपल इस वाले पार्ट पे ऊपर वाले पार्ट पर सबसे ऊपर लेयर होना चाहिए। देखो ये पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा है कुछ है ठीक है। मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे साइज़ को छोटा करो उतना ज़्यादा प्रॉमिनेंट दिखेगा ठीक है ना। अभी ये पार्ट आपका यहाँ पे आएगा ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैनेज किया ताकि ये पार्ट में बस थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा शेप्स को इधर उधर थोड़ा सा बीच में ये देखा यहाँ तो अभी ये चीज़ में बस और इम्पैक्ट दिखेगा। ये चाहो तो आप अलग अलग लेयर पे पेंट कर सकते हो अलग अलग लेयर पे पेंट करोगे तो वो चीज़ और बेटर दिखेगा यहाँ पे अभी इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया यहाँ पे ठीक है। यहाँ से मैंने शेप्स को थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे इधर की तरफ कर दिया इधर तो सा अंदर की तरफ कर देते हैं पे ठीक है। तो ये अंदर की तरफ ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे शेप दिया मैंने यहाँ पे अभी हल्का हल्का मैं थोड़ा सा टचअप दूंगा। टचअप देने का मतलब क्या है जैसे मेरे पास ये शेप है इनको मैंने शेप्स को यहाँ पे ऐसे ठीक है यहाँ पे शेप्स को मैंने थोड़ा सा ठीक है काइंड ऑफ ठीक है। और ये शेप मैं ऐसे कुछ यहाँ पे करूँगा यहाँ पे तो मैं प्रोमिनेंट लाइन से चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। तो मेरे प्रोमिनेंट लाइन जो दिखेगा मेरे पास यहाँ पे वो पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर दिखेगा ठीक है। ये पार्ट में हल्का हल्का टचअप दे दूंगा यहाँ पे ठीक है। मुझे अगर टचअप देना तो ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे क्या किया काइंड ऑफ अब देखो यहाँ पे मैं शेप्स को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ ये पार्ट में बस ऐसा कुछ हुआ ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर लाइन पे दे रखा है यहाँ पे ब्लैक का जो कलर दे रखा था मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा था ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसे फिर ये शेप आपका ऐसे ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखोगे तो अच्छी चीज़ दिखेंगे आपके। तो ये पार्ट आपका हल्का फुल्का यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट करना है हमें यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा प्रोमिनेंट शेप्स को यहाँ पर हम हल्का फुल्का दिखेगा ये देखा हल्का सा यहाँ पे आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई शेप में बस ऐसा कुछ है। मैंने वो जो ब्लैक सी लाइन है उस ब्लैक सी लाइन पर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ को और छोटा करके दिखा यहाँ ये छोटा करके यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर कर दिया ये पॉइंट मैंने यहाँ पर कर दिया यहाँ ठीक है। शेप से मैं बस यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करना है तो मैंने यहाँ पे हल्का सा शेप मैंने यहाँ पे दिया ओके काइंड ऑफ ठीक है। कलर का आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे क्योंकि ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया ठीक है। कहाँ पे क्या दिखना है ये पार्ट में हमें समझना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको आइडिया मिल जाएगा ब्लैक में वाइट में यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा कम दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है मुझे एक सॉलिड कलर लेना है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है वाइट बैकग्राउंड पे मुझे काफ़ी चीज़ दिख नहीं रही इस पर क्लिक किया मैंने सॉलिड कलर लिया। सॉलिड कलर मैं यहाँ पे कौन सा लेने वाला मैंने ऐसा कुछ ले लिया ठीक है। और सॉलिड कलर को मैं नीचे रखूँगा सबसे नीचे तो अभी आपके चीज़ें जो है वो और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे ठीक है ना। अभी मैं जिन चीज़ों को मैं पेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे जैसे मैंने किया सेपरेट विक पार्ट्स है यहाँ पे तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे पेंट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ड्रॉ करते मुझे यहाँ पे ध्यान देगा यहाँ पर मैं अलग अलग लेयर पे काम कर रहा था यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है। सेफ मेरे पास ऐसा कुछ है ओके।
तो ये मेरे पास सेपरेट पार्ट्स में ये चीज़ें आ जाएंगी क्या? जैसे ये दिखना है अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, थोड़ा सा लाइनें ऐसे कुछ देनी है मुझे यहाँ पे। लाइनें देने का मतलब क्या है पे कि मैंने यहाँ पे क्या कि मुझे डार्क कलर लेना है, ठीक है। जैसे मुझे दिखाना है कुछ कटा हुआ है, कुछ चीज़ें मैनेज है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या जूम कर दिया यहाँ पे, चलो भाई यहाँ पे जूम करके यहाँ पे ठीक है मैंने रखा। तो अपने इमेज पे जाओ, कैनवस पे कंट्रोल मैनेज किया, डार्क कलर कौन सा है यहाँ पे, डार्क कलर बिफोर ब्रश क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल प्लस 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 जूम कर लो आप यहाँ पे। अब इसको भी आप सेपरेट लेयर पर रखोगे तो और ज़्यादा बेटर है, मतलब लेयर को आप यूज़ करो, लेयर में कोई दिक्कत नहीं है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, साइज़ को छोटा किया यहाँ पे, ये साइज़ छोटा किया यहाँ पे, ये देखो देख रहे हैं अभी ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को मैंने थोड़ा सा अप डाउन, नॉट एग्जैक्ट लिंक काइंड ऑफ, ऐसा कुछ आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा, ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसी को और बेटर करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड ये लाइट कलर मैंने पिक किया यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बॉर्डर दे दूँ यहाँ पे तो और बेटर देखेगा यहाँ पे। ये सेम चीज़ देखो, दूर से आप देखो ये और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो शेप्स को हम लोगों को कैसे देखना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अभी देखो ये काम मैंने यहाँ पे किया, अभी ये मैं अपने इस वाले बॉक्स पे भी कर सकता हूँ, जो लॉक वाला बॉक्स है, लॉक वाले बॉक्स में यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे गए लाइट कलर कौन सा यहाँ पे बी है, ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक कलर यहाँ पे मिक्स हो गया क्या, जो मैंने सॉलिड कलर लिया, सॉलिड कलर मैंने इसी का पिक करके लिया है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक किया यहाँ पे, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क के लेके गया, ठीक है। तब वो वाला कलर दिखने लग गया, तो मुझे ऐसा कुछ कलर लेना जिसमें मेरे पास चाहिए विजुअल हो, ओके। अभी यहाँ पे मैंने ये पार्ट मैंने पिक कर दिया, यहाँ से मेरे पास शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा मैं, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइडिया हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई कैसे मुझे क्या काम करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्लस इन चीज़ों को मैं पे क्या करता हूँ, मैंने लेयर ले रखा नहीं लगे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। मैंने मिनिमाइज किया, कैंसिल कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कहाँ पे क्या, ये मेरे पार्ट यहाँ पे आ गया, ओके। एंड बिफोर ब्रश है मेरे पास यहाँ पे, तो कॉर्नर कॉर्नर बॉर्डर को मैं पे देखो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ से शेप्स को मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ दिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैंने हल्का सा हाईलाइट कर देंगे, देखो ओके। तब ये पार्ट थोड़ा सा सेपरेट आपको दिखेगा यहाँ, चलो ये मेरा सामने बॉर्डर पेंट किया। अभी वो सारे कलर्स की नॉलेज है, कलर्स की नॉलेज लोगों तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे क्या काम कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जूम करके देख लेता हूँ, कंट्रोल प्लस हम लोग यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, ये हल्का सा जो बॉर्डर लाइन होता है मेरे पास यहाँ पे, ये इस पर भी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। ये देखना अभी ये पार्ट, ये साइनिंग वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा क्या यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ तो ये चीज़ थोड़ा सा और आपको एक लुक एंड फील देगा, यहाँ देखो यहाँ पे अभी आपके डायरेक्शन में यहाँ पे चीज़ दिखेंगे। चलो ये पार्ट हमारे पास हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल लिख करते हैं, ड्रॉ वुड टेक्सचर। अभी ड्रॉ वुड टेक्सचर पे काम करना, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बेसिक डिटेल्स हमने यहाँ पे एक लेवल दिया यहाँ पे सेपरेट बिग पार्ट, ठीक है। वी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट एंड क्लिक यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है यहाँ पे मैं क्या करूँ, ड्रॉ वुड डिटेल्स, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, वुड टेक्सचर, ड्रॉ वुड टेक्सचर करते हैं। अभी वुड के टेक्सचर के पैटर्न अलग अलग होते हैं क्या, अभी किस टाइप से वुड के पैटर्न पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये चीज़ आपके लिए सोचने की जरूरत है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये देखो कलर प्लेट लिया, कलर प्लेट मेरे पास ऊपर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास कलर वाला पार्ट देखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे बस कहाँ है मेरे पास फिल मेन कलर, ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर का एक पैटर्न बना रखा है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं इसकी कॉपी कर लूँ या इसको मैं नीचे ले आऊँ। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कलर पे, मुझे ऊपर जाने में दिक्कत हो रही, तो मैंने यहाँ पे उस आकर यहाँ पर कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल प्लस जूम जूम जूम, यहाँ पे हमें काम करना, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर जो पैटर्न एंड डिटेल्स हैं, उस डिटेल्स को मैं यहाँ पे कैसे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको पेन चलाना आना चाहिए, थोड़ा सा पेन चलाओगे तो आपके यहाँ पे काम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई वॉन्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट करना है, नॉट एग्जैक्ट लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया ड्रॉ वो टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या करूँ, फिर से एक न्यू लेयर लूँगा, अभी क्रिएट अ न्यू लेयर। अभी यहाँ पे देखो पैटर्न कैसा है, पैटर्न के साथ में बस कलर कैसा है। अभी ये कलर मैं पहले पिक कर लूँगा, मैं बस कलर कैसे दिख रहा है अभी, ठीक है। इस कलर पर बस पैटर्न क्या दिखने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बीफोर ब्रश है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑल टेन क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये मैं ड्रॉ करूँ, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, देखो ये कम दिखेगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे ठीक है। अभी इस वाले पैटर्न पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ, दिखना चाहिए क्या। देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे दिख रही है, बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, ओके ऑल टेन क्लिक, यहाँ पे दिख रहा है, ये पैटर्न में बस दिख रहा है। ऑपेसिटी मैंने कम कर रखी यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने ऑपेसिटी प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्रश साइज थोड़ा सा मैंने बढ़ा किया यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपको ऐसे भी आपको इस शेप्स को आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो वुड की जो डिटेल्स है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग है ये काइंड ऑफ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से दिखाएं। वुड आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप ये ऐसे ऐसे करके यहाँ से आप ऐसे तो दिखा सकते हैं यहाँ पे, ब्लेंडिंग मोड के साथ हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, देखो ये शेप्स ऐसा कुछ मैंने दे दिया, ठीक है। ये काइंड ऑफ इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज करोगे यहाँ पे, वुड के अंदर पतली पतली लाइन के डिटेल्स भी होते हैं, पतली पतली लाइन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे। मैं ऐसे कुछ रफली एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, काइंड ऑफ ये मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसमें ज़्यादा विजुअल नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया कि वुड के अंदर आप पैटर्न्स को आप इस टाइप से मैनेज भी कर सकते हो, जो इम्पैक्ट आपको देगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसमें आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने का काम करोगे आप यहाँ पे, देखो ये शेप में बस ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ओके। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा पैटर्न वाइज यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। कलर वाइज हमने यहाँ पे थोड़ा सा डील किया यहाँ पे। अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जो मैंने पिछले लेवल पे मैंने काम किया वो थोड़ा सा काम मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रॉ करना है। मैंने इस पर मैंने काम किया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर वाइज चीज़ें मैनेज नहीं की। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लिक किया मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला लेयर है यहाँ पे, देख रहा है यहाँ पे, इस पर मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा मैं पेंट कर देता हूँ यहाँ पे, किस पर मुझे थोड़ा सा पेंट करने का नीड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पेंट यहाँ पे, क्योंकि ये भी चीज़ को मुझे सेपरेट करना है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेप्थ और डिटेल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पे, मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो डेप्थ और डिटेल करना है यहाँ पे, ये मैंने कलर डार्क लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, इन चीज़ों को मैं ऐसे कुछ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। जो मैं चीज़ों को यहाँ पे था कुछ हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है, मेरे शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, तो उन शेप्स को मैंने यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा और अपडेट कर दूँगा यहाँ पे, बस ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ऐसे कुछ ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क कलर के थ्रू मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ये पार्ट है ना मेरे यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से। तो मैंने ब्लैक बॉर्डर पे यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया, इस शेप्स को मैंने ऐसे कुछ टर्न कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा डेप्थ आपके पास यहाँ से, ठीक है। स्ट्रेट नहीं दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को मैंने थोड़ा सा अप डाउन दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ओके काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क किया, मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर कैसा है, कलर को मैंने यहाँ पे पिक कर रखा है यहाँ पे, ये शेप्स को मैंने यहाँ पे ये देखा यहाँ पे, ठीक है। बीच वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे साइज और इम्पैक्ट थोड़ा सा मुझे अच्छा देखे, ठीक है। क्योंकि इनको भी हम जो सेपरेट पार्ट करते हैं, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा कलर वाइज थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, कि भाई थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। तो लेवल वाइज आप चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को जैसे मैं पेंट करना है यहाँ पे, पेंट करना मान ली थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पैटर्न को, अभी इन्हीं के साथ मैंने जो भी काम किया, जो मैंने पतले पतले बॉर्डर दिए हैं आपको, पतले पतले बॉर्डर भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पतले पतले बॉर्डर मैं कैसे देने वाला हूँ, जो लिटरली जो मैंने व्हाइट कलर के जो बॉर्डर दिए थे यहाँ पे, जो लाइट किए थे, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी इनको मैं सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पर मैसे ड्रॉ करने वाला हूँ, ये पार्ट भी अपने आप ही सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये जितने मैंने बॉर्डर पे यहाँ पे काम किया है, ये चीज़ को आपको यहाँ पे ये सेपरेट कर देंगे, डार्क के साथ ये लाइट का कॉम्बिनेशन दोगे तो चीज़ें और थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। तो ये मेन फंडा ये कि आपको इन चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करते हो समझना है कि मुझे यहाँ पे डार्क डार्क साथ लाइट कलर आप यहाँ पे अगर मैनेज करते हो तो ये चीज़ और डेप्थ दे देगा आपके यहाँ पे। इन डेप्थ को हम लोग कैसा फुलफिल कर सकते हैं,
इन्हीं चीज़ों का हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना है अपने को, ठीक है। ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मेरे को ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ये जैसे टर्न है, टर्न के साथ मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऊपर और देन मैंने हल्का सा नीचे भी टचअप दिया यहाँ पे। ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे टेक्स्टिंग में भी मुझे जब करना पड़ेगा तो मुझे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा यहाँ पे देखो, ठीक है। ये सेम शेप्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे दो तीन कलर मिक्स होंगे तो आपका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक प्रोसेस अगर आपको याद हुआ तो आप हैंड पेंट टेक्सचर की जॉब भी आराम से कर सकते हैं। ये हैंड पेंट टेक्सचर का भी काम ऐसे ही होता है, ठीक है। छोटे छोटे पैटर्न, छोटे छोटे पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैं चीज़ को थोड़ा सा मैंने डार्क करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं लाइट कर सकता हूँ। ये लाइट मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं लाइट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने तो हल्का सा लाइट का कलर दिया ताकि मुझे यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना आसान हो जाए यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी हमने जो ये लेवल देखा, इसमें इसमें देखो डिफरेंस आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंसेस है, डिफरेंसेज आते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसमें जो लाइट का पैटर्न दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो मैंने पैटर्न दे रखा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, कलर को थोड़ा सा बैलेंस करना है यहाँ पे। ये भी पैटर्न देखो, यहाँ पैटर्न है ना मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो वुड की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ये जो पैटर्न मैं यहाँ पे यूज़ किया डार्क यूज़ किया, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा लाइट की तरफ लेके चलेंगे क्या, ठीक है। ये पैटर्न मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ से पार्ट को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ ये पार्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखो यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट मुझे ऐड ऑन करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक मैं वन क्लिक करता हूँ, शिफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। ये पार्ट में बस यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट एंड यहाँ पे क्लिक किया ड्रॉ किया, यहाँ पे शिफ्ट एंड यहाँ पे ड्रॉ, देखो यहाँ पे ड्रॉ में कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट में ऐसे कुछ कर ड्रॉ करके दिखा सकते, तो बस एक सेपरेट एंगल मिल गया। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक किया बिफोर ब्रश है मेरे पास यहाँ पे, और मैंने हल्का से यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर दिया। तो ये शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे अगर मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ जल्दी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक जो मैंने ऊपर ले रखा है यहाँ पे, वो जो वोट डिटेल्स का था ना यहाँ पे, देखो वोट डिटेल्स है, मैंने वोट डिटेल्स मैं यहाँ पे करता हूँ। तो वोट डिटेल्स हम यहाँ पे जितना चीज़ को मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, मैंने लाइक लाइटली ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया शेप्स को, यहाँ पे साइज को छोटा करके ऑल्ट एंड क्लिक एक टाइम ऐसा ही आएगा। आप यहाँ पे शेप्स को आप यहाँ पे ऐसे कुछ आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, शेप्स आपके साथ ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स वाइज थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये लेवल्स मेरे पास यहाँ पे, इनको भी इन कलर को भी थोड़ा सा डार्क में रखना है क्या भाई, जैसे मैंने किया यहाँ पे ये शेप में बस ऐसे कैसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनका एक लेवल डार्क करके रखूँगा यहाँ पे, स्विच करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं चीज़ों को मैं ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। ये शेप्स ये काइंड ऑफ, ठीक है, और देन यहाँ से शेप्स को आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। थिकनेस है यहाँ पे तो थिकनेस यहाँ पे दिया, और देन यहाँ पे लाइटनेस है यहाँ पे, लाइटनेस के साथ आपके यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा डार्क ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ऑपेसिटी यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल कर देता यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये शेप में बस ऐसे ये शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करते दिखाया, ठीक है। चीज़ों को तोड़ना फोड़ना है वो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को माइंड में रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ हल्का फुल्का टचअप देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे भी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, अभी इसको एक नेबल और दे देते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे किया ड्रॉ वुड पे गया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, वी प्रेस कर दिया कंट्रोल माइनस, ठीक है, एंड ऑल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या मोर डिटेल्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं दो ड्रॉ मोर डिटेल्स हैं यहाँ पे, वो डिटेल्स हैं एंड मोर डिटेल्स कर देते हैं यहाँ पे। मोर डिटेल्स में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये दोनों स्टेप इसी में मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रखा है यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ों को बहुत अलग से, जैसे शेप से मेरे पास शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं यूज़ कर सकता हूँ। शेप्स मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टूल्स देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो तो कुछ कुछ आपके पास ब्रशेज हैं, उन ब्रशेज के अंदर आपके यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने का प्रोसेस आपको देखा है। जैसे बर्न है, डोज है, काम करता है। जैसे यहाँ पे टूल्स यहाँ पे देखा, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम में चले यहाँ पे टूल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप सपोज एक लीव्स आपको दिखाना है कुछ ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है, या
ब्लॉक है, ब्लॉक में आपको कुछ ऐसे दिखाना है, कोई एक पैटर्न आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बोर्ड का है, एनिमल्स का है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल मैंने एक ऐसा कुछ पार्ट लिया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक न्यू लेयर, इसी के अंदर न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। कलर क्या लेना, मुझे डार्क लेना, तो डार्क कलर पहले से प्रिपेयर करके रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ पे शेप्स क्या है, यहाँ पे ये क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये शेप्स दिख रहा है आपका, यहाँ पे ये शेप्स आपका यहाँ पे देखेगा, अभी सिर्फ शेप्स ये या पिक्सल्स ये देखो यहाँ पे, ये पार्ट आपको पिक्सल्स में है, ये आपका क्या पाथ में है, देखो यहाँ पे। अभी आप किस टाइप से आपको शेप चाहिए वो आपको तो पता देख के चलना है कि मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ, मैंने क्लिक किया सिलेक्शन में, बस यहाँ पर आ गया, ठीक है। सिलेक्शन करने का तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं चीज़ को एक न्यू लेयर लेके डार्क कलर फिल कर देता हूँ, मैंने ऑल्ट बैकस्पेस किया यहाँ पे, ठीक है। डार्क कलर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो डार्क कलर मैंने यहाँ से पिक किया, भाई मुझे डार्क कलर ये चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी। अभी ये चीज़ मुझे ऐड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जाकर फिल अमाउंट थोड़ा कम कर दो, यहाँ पे आपको पीछे का डिटेल दिखेगा, ऑपोजिट का थोड़ा अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका मिल जाएगा, अभी हमने यहाँ पे सेव दिया जो चीज़ को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ओके। अभी ये जो हमने मैनेज किया ये पार्ट मुझे क्या चाहिए, जो मोर डिटेल्स, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। थोड़ा सा अप डाउन कर दूंगा भाई, ऐसा सेव मैंने दिखाया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ, मेरे पास इमेज है, इसमें क्या कर सकता है, वैसे जरूरी यही एग्जैक्ट सेप लो आप कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी इनको फिर तोड़ना फोड़ना फिर से स्टार्ट करो, तोड़ना फोड़ना मतलब यहाँ पे जो शेप्स है ना यहाँ पे, अभी शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कलर वाइज थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बिफोर ब्रश, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे इसको यूज़ किया, ठीक है, कंट्रोल माइनस, यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस, ठीक है, एंड बिफोर ब्रश। ब्रश में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मुझे जो डेप्थ है, इस डेप्थ को थोड़ा सा मुझे ये वाला कलर यहाँ पे, देखिए हल्का सा मैंने कलर लिया यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेयर है कि नहीं, वापस यहाँ पे ये न्यू लेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हल्का सा डार्क लिया, डार्क में यहाँ पे कलर टोन को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ये कलर लेते हैं, ठीक है, ये कलर ले लेते हैं यहाँ पे, और मुझे इस वाले कलर पर थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, ये शेप्स को मैं कुछ स्टेप से ही मैं मैनेज करूँगा ताकि ये शेप मेरे पास दिखे हमें, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। अभी देखो कलर कितने चेंज होते हैं यहाँ पे, डार्क कलर जो मैंने यहाँ पे किया ये मेरे पास कलर कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, मैंने शेप्स दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा कि साइज है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पेंट करते हैं यहाँ पे, देखो तो इसमें कभी हेजिटेट नहीं होना, बस लग जाना काम में तो हो जाएगा काम, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसे पस के यहाँ पे, ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दिया, कॉर्नर पार्ट को मैंने यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेप्स मैं यहाँ पे भी ऐसे कुछ कर दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर, ये वाला जो कलर मैंने रखा ना ये कलर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कलर को अगर मैं देना चाहूँ तो मैं जल्दी में निपटाता हूँ, जल्दी में करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑपेसिटी एंड बाकी चीज़ को मैं थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे, तो चीज़ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ पे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से दिखा सकता हूँ पे। तो कॉर्नर पार्ट ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर सकता हूँ, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ आता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ को बैलेंस करके दिखाऊंगा यहाँ पे, शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये आउटर आपका बॉर्डर भी आपको दिख जाएगा और आपको ये पार्ट भी आपके यहाँ पे विजुअल हो जाएगा भाई कैसे मैं क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे चीज़ मैं ऐसे भी कुछ पार्ट दिखेंगे यहाँ पे, पैटर्न वाइज मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों को जो ब्रेक करना है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा कट्स है, कट्स के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये शेप्स को मैंने यहाँ पे लिया, ये शेप्स को मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ, ठीक है। इन शेप्स को मैं ऐसे करके भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे, ब्रेक करने के बाद एक चीज़ आपको और ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, शेप्स को मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसके बाद मैं जो हाइलाइटेड कलर यहाँ पे क्या मैंने बी एंड ये लाइट ले लिया यहाँ पे, प्लस इस साइज़ को थोड़ा सा और प्रमिनेंट करना है, छोटा करना है यहाँ पे, इस पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँगा तो ये और बेटर दिखेगा यहाँ पे। ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एंगल यहाँ पे ज़्यादा, ये शेप मैंने यहाँ पे ज़्यादा दिया यहाँ पे, ऊपर कम, ठीक है, ऊपर कम, इधर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस कलर का यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे चीज़ों को
थोड़ा सा लाइट कर दिया ताकि मेरे पास यहाँ पे काम हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे और हमारे काम और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा।